सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रिम्पी और आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विथ रिम चैनल। अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल नेल्स के फैशन बहुत 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 ही ज़्यादा हैं और लोग बाहर जा कर के एक्सटेंशंस करवाते हैं। एक्सटेंशंस का प्राइस 1000, 1500, 2000 इस तरह से करके एक्सटेंशंस का प्राइस है। तो अगर आप कम दाम में एक्सटेंशंस करना चाहते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आप अपने नेल्स को यूं सुंदर दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें। और मैं जिस तरह से एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगी, ये एक सस्ता सा एक्सटेंशंस है जो आप कहीं भी मैरिज में, पार्टी में, मतलब होता है ना कि DIY फटाफट से किए और चले गए, उसी तरह का है और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे इसको करते हैं। तो अगर आपको इस तरह से नेल्स चाहिए तो आप लोगों को कुछ सामान लेना होगा जो कि अंडर 100 रुपीस में तो हो ही जाएगा। ठीक है, आपको 100 रुपीस में नेल पॉलिश सब कुछ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या सामान लगता है। ये लेना है आपको इस तरह का नेल्स जो कि कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आता है। इस टाइप का नेल्स लेना है। ये अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो मैक्स टू मैक्स इसका प्राइस 90 रुपीस या फिर 100 रुपीस पड़ जाएगा। अगर आपको ये फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से लेना है तो उसमें ये 100 रुपीस का आता है और इसका डिलीवरी चार्ज वही 50 to 56 रुपीस तक आता है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगी कि आपके आसपास जो शॉप्स हैं उनसे आप लो तो ये आपको 100 रुपीस के अंदर आ ही जाएगा। मुझे ये 80 रुपीस का पड़ा है। और आपके पास तो नेल पॉलिश होगा ही, तो मैं ये दो कलर नेल पॉलिश यूज की हूँ अपने नेल्स पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नेल पॉलिश मैंने यूज किया है। उसके साथ आपको एक बेस कोट चाहिए होगा, नेल बेस कोट, जिससे पहले आप अपने नेल्स पे बेस लगा लेते हो, उसके बाद आप दूसरे नेल पेंट यूज करते हो जिससे आपका नेल पेंट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपको आपको एक ये क्या कहते हैं, शेपनर या फिर बफर, आप जो भी कह लो, तो ये वो है, इसकी भी जरूरत होगी जब हम लोग नेल को यूं शार्प करेंगे। ठीक है, या शेप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ सामान जो आपको ये इतने सुंदर से और प्यारे प्यारे से नेल्स बनाने में यूज होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे हम लोग नेल्स को रेडी करते हैं और कैसे सब कुछ करते हैं। तो ये रहा नेल्स, नेल पॉलिश, बफर। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, नेल्स को ऊपर से थोड़ा सा रफ करना है। रफ करने से क्या होगा, हम लोगों का नेल्स जो रफ हो जाएगा उसके ऊपर हम लोग ग्लू लगा करके चिपकाएंगे तो वो बहुत मतलब लॉन्ग टाइम तक चिपका हुआ रहेगा। इसलिए हम लोग अपने नेल्स को यहाँ पे बफ कर रहे हैं। बफर के थ्रू हम लोगों को अपना सारे नेल्स को एक एक करके बफ कर लेना है। जितना अच्छे से आप बफ कर पाएंगे वो चारों तरफ, जितने अच्छे से आप बफ कर पाएंगे ना उतने अच्छे से आपके नेल्स के ऊपर नेल्स चिपका, फेक नेल्स चिपका हुआ रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपने नेल्स को बफ कर रही हूँ। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नेल्स लेना है, नेल्स के ऊपर ग्लू लगाना है और ग्लू लगा करके एक पे एक चिपके रहने देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं थंब पे नेल लगाई हूँ, लगाने के बाद वो अब चिपक चुका है। और जैसे ही आप ग्लू लगा करके नेल्स पे फेक नेल्स को चिपकाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको एटलीस्ट 20 to 40 सेकेंड तक ऐसे दबा करके रखें। आप जितना टाइम तक दबा के रखेंगे, जितने जोर से प्रेस करके रखेंगे, आपके नेल्स उतने टाइम तक चिपके हुए रहेंगे। अगर आप उसको सही से प्रेस करके नहीं रख पा रहे हो, अगर वो हिल जा रहा है अपनी जगह से या फिर टेढ़ा हो जा रहा है, तो आप ये कर सकते हो ना कि उसको गर्म पानी में ऐसे अपने उंगली को डिप करोगे तो वो थोड़े टाइम में निकल जाता है।
इसलिए आप अपने नेल्स को अच्छे तरह से प्रेस करें और सही जगह पे बिठाएं। और अब आगे देखिए, अब जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे सारे नेल्स चिपक चुके हैं। तो चिपक जाने के बाद हमें एक काम करना है कि सारे नेल्स को फाइल कर लेना, बगल से शेप में लाना है। मैं इसलिए शेप में लाने को बोल रही हूँ क्योंकि जो नेल्स होते हैं ना, नेल्स के एजेस जो है वो बहुत ही शार्प होते हैं, तो शार्प होने के कारण आपको अपने ही नाखून से चोट लग सकता है। इसलिए आप क्या करें, आप नेल्स के जितने भी एजेस है ना, तो एजेस को शेप कर दे बफर के थ्रू। बफर के थ्रू आप शेप करेंगे, उसको राउंड शेप देंगे, या फिर उसके जो एजेस है, शार्प एजेस है, उसको थोड़े से कैची से या फिर नेल कटर के थ्रू कट करके, नेल्स के थ्रू कट करके आप उसको अच्छे से शेप दे सकते हैं। आपको जैसा मन करे आप उस तरह का शेप दे सकते हैं। शेप देने के बाद हम लोगों का नेल्स बहुत अच्छी तरह से चिपक चुका है, नेल्स का एक अच्छा सा शेप आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नेल पॉलिश लगाएंगे। नेल पॉलिश सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको अगर ये नेल्स पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें, जिनसे वो लोग भी फटाफट से DIY करके अपना नेल्स, मतलब कम पैसे खर्च करके वो एक अच्छे नेल्स पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।